और अब खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर दिल्ली में जल संकट को लेकर बीजेपी प्रदर्शन करेगी, जहां पर बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में यह प्रदर्शन होगा। 14 जगह पर बीजेपी जल संकट को लेकर आज प्रदर्शन करेगी। तो बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पर दिल्ली में जल संकट को लेकर अब बीजेपी प्रदर्शन करेगी। इसी के साथ आपको बता दें कि कुल मिलाकर बात की जाए तो बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में ये प्रदर्शन होगा और 14 जगहों पर बीजेपी जल संकट को लेकर आज प्रदर्शन करने वाली है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर बता दें कि इस दौरान अगर बात करें तो दिल्ली में जल संकट को लेकर बीजेपी प्रदर्शन करने वाली है। और इतना ही नहीं, बात करें तो बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में ये प्रदर्शन होगा। लगातार दिल्ली में जल का संकट जिस तरीके से गहराया हुआ है, उसको लेकर बीजेपी की तरफ से प्रदर्शन और 14 जगहों पर बीजेपी जल संकट को लेकर प्रदर्शन करने वाली है। दिल्ली में जल संकट को लेकर बीजेपी का आज प्रदर्शन देखने को मिलेगा। ऐसे में कुल मिलाकर बात की जाए तो कई जगह ऐसी है जिनमें से जहां जगह जगह पर बीजेपी का प्रदर्शन देखने को मिलेगा, बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में यह प्रदर्शन होगा। तो बड़ी खबर, 14 जगहों पर बीजेपी जल संकट को लेकर करेगी प्रदर्शन, जहां पर दिल्ली में जल संकट को लेकर बीजेपी करेगी प्रदर्शन। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। पीयूष, जल संकट गहराता जा रहा है दिल्ली में, और ऐसे में अब बीजेपी भी अग्रसर, यानी कि पूरे तौर पर बीजेपी अब प्रदर्शन करने की तैयारी में है। 14 ऐसी जगह दिल्ली में जहां जगह जगह पर बीजेपी प्रदर्शन करेगी। बिल्कुल, अगर बात करें तो जिस तरीके से दिल्ली में भीषण गर्मी भी कहीं ना कहीं पड़ रही है, और ऐसे में दिल्ली के कई इलाकों में जल संकट भी गहराया हुआ है, और कई जगहों पर आपने देखा कि टैंकर से पानी पहुंचाया जा रहा है, और कई जगहों पर ऐसी भी स्थितियां बनी जहां पर पुलिस बल के जवान भी तैनात करने पड़े, खासतौर पर वहां पे पानी के लिए, पानी की इतनी किल्लत हो गई थी, पानी के लिए मारामारी इस तरीके से वैसी नौबत आ गई थी। ऐसे में पूरा मामला चूंकि सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की ओर से कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रदर्शन भी बुलाया गया है, और आज करीब 10:30 बजे के आसपास ये प्रदर्शन शुरू हो जाएगा। और दिल्ली के करीब, दिल्ली में अलग अलग जगहों पर करीब 14 जगहों पर ऐसी जगह है जहां पर जल संकट को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा, और दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में ये प्रदर्शन किया जाएगा। और इस दौरान तमाम जो बीजेपी के नेता हैं उनकी मौजूदगी रहेगी, जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं उनकी मौजूदगी रहेगी, और निश्चित रूप से दिल्ली सरकार को जो घेरने की कवायद है जल संकट पर, वो कहीं ना कहीं की जाएगी। इसके अलावा इस प्रदर्शन के मद्देनजर प्रशासन की ओर से व्यवस्थाएं की गई है, जिस भी तरीके से स्थिति ना बिगड़े, ऐसी स्थिति ना हो कि किसी को भी परेशानी हो। तो कहीं ना कहीं लगातार जिस तरीके से जल संकट गहराया हुआ है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। वहीं आम आदमी पार्टी की ओर से लगातार आपने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस आतिशी जो कि दिल्ली सरकार में मंत्री है उनकी ओर से किया गया, और कहीं ना कहीं आरोप जो है वो आसपास के राज्यों पर लगाया गया कि उनकी ओर से पानी नहीं दिया जा रहा है उस तरीके से। तो अब देखने वाली बात होगी कि इस प्रदर्शन का क्या कुछ असर रहने वाला है, करीब 10:30 बजे के आसपास ये प्रदर्शन शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष तिवारी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।